हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज इसी लेक्चर में। ओके, सो आपका जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, इसको हम डिनोट करते हैं ICA से, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 18th of August 1895। सो ये डेट इंपॉर्टेंट बनेगी एग्जाम के लिए। एंड जे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या है, एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो भी अक्रॉस द ग्लोब, उनकी एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो 18th of August 1895 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रसल्स बेल्जियम में। और ये हेडक्वार्टर्स दिए हैं कि 1895 से लेकर 1982 तक जो जो टाइम स्पैन था, इसमें जो हेडक्वार्टर्स है आपके लंदन इंग्लैंड में थे, देन 1982 से लेकर 2013 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड 2013 से लेके बेल्जियम में है। ओके, देन ये जो वाली स्लाइड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि ICA के जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, एरियल ग्वार्को, एंड हिज नेशनलिटीज़ ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना को बिलोंग करते हैं, एंड ये 2017 से कंटिन्यूसली प्रेजिडेंट बने हुए हैं ICA के। नेक्स्ट चीज़ है कि DG डायरेक्टर जनरल कौन है ICA का, दैट इज ब्रूनो रोलैंड्स। और जो कि कौन से DG हैं, 16th नंबर के DG हैं। एंड द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ ICA, फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ ICA कौन थी, डोम पॉलिन ग्रीन, एंड शी बिलोंग्स टू UK। तो आपको नेशनलिटी भी याद रखनी है। एंड द फर्स्ट ICA एग्जीक्यूटिव फ्रॉम इंडिया, दैट वॉज रामदास पंडालू। आई होप कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि ये कुछ क्या है, पब्लिकेशन है आपकी ICA की, ठीक है, ICA की पब्लिकेशन है। तो आपको बोला जा सकता है कि ICA बुलेटिन किसकी पब्लिकेशन है, कोऑपरेटिव ट्रेड डायरेक्टरी किसकी पब्लिकेशन है, तो दिस बोथ आर द पब्लिकेशन ऑफ ICA। देन ये जर्नल्स हैं, ठीक है, रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव, जो का रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव है, इट इज़ द ऑफिशियल जर्नल ऑफ ICA। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ICA का ऑफिशियल जर्नल क्या है, वो है आपका रिव्यू ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव। और ICA के जो रीजनल ऑफिसेस हैं, मतलब कि डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स में रीजनल ऑफिसेस हैं, एक तो अफ्रीका में है, अमेरिका में है, एशिया में है, यूरोप में है। ROAP की फुल फॉर्म आपकी रीजनल ऑफिसेस फॉर एशिया पैसिफिक। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ICA का जो फ्लैग है उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्लाइड में, कि ये फ्लैग डिज़ाइन कब हुआ था आपका, ईयर 1921 में, इंस्टीट्यूट कब हुआ था 1923 में, और ये फ्लैग होस्ट कब हुआ था फर्स्ट टाइम 1924 में, एंड अडॉप्ट कब हुआ था 1925 में। देन वो क्वेश्चन आ सकता है कि जो जी आपका ICA का फ्लैग है, इसको डिज़ाइन किस इंसान ने किया था, दैट इज चार्ल्स गाइड ने इस फ्लैग को डिज़ाइन किया था फर्स्ट टाइम। और चार्ल्स गाइड क्या थे, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। तो आपको उनका प्रोफेशन भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स गाइड इकोनॉमिस्ट थे कि क्या थे, तो ये इकोनॉमिस्ट थे और साथ साथ में ये कोऑपरेटिव्स में भी काम करते थे, तो इसको कोऑपरेटर भी बोलते थे। लेकिन डिज़ाइन चार्ल्स गाइड ने किया था, लेकिन बियर सजेस्ट किसने किया था, बर्नार्ड डॉट ने। तो सजेस्ट किया था जो फ्लैग बर्नार्ड डॉट ने। जो आपका जो फ्लैग होता है, जो इसमें रेड कलर होता है हमेशा टॉप में आएगा, जो बॉटम में वायलेट कलर आएगा, ठीक है। चार्ल्स गाइड ने एक और बात पॉइंट आउट की कि जो ये फ्लैग है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ये डिनोट कर रहा है चार्ल्स गाइड ने। और इस फ्लैग की जो कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं कि लेंथ और ब्रेथ की रेशो क्या रहेगी, 3:2 रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर ऑफ इस फ्लैग में जो स्ट्रिप्स होंगी कितनी होंगी, 6 स्ट्रिप्स होंगी इस फ्लैग की। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।